नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन करें ये तीन काम। शनि देव को न्याय के देवता के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं शनि देव लोगों के कर्मों के मुताबिक उन्हें फल देते हैं। बुरे कर्म वाले लोगों को अगर शनि देव दंडित करते हैं तो अच्छे कर्म वाले लोगों पर उनकी शुभ दृष्टि रहती है। ज्योतिषियों का मानना है कि शनि देव अगर किसी पर अपनी कृपा बना देते हैं तो उसे हर काम में सफलता मिलती है। अगर आप भी शनिवार को शनि देव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं तो इन आसान कामों में अपनी ज़िंदगी में उतार लें। अगर आपके घर में कोई काफ़ी समय से बीमार चल रहा है, उसको कोई दवा नहीं लगती है और आप काफ़ी समय से परेशान हैं, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या फिर आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं, या फिर आप नौकरी से परेशान हैं, या फिर कोई भी और समस्या है, तो आपकी कुंडली में राहु केतु शनि तीनों के ग्रह दुष्परिणाम देने वाले बने हुए हैं। इसलिए आपने करना क्या है, इस ग्रह को शांत करने के लिए आप अपने घर में जीवन में जय तीनों नियमों का पालन करते हैं तो राहु केतु शनि तीनों ग्रह शांत रहेंगे। सबसे पहले तो आप शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें, शुद्ध काले रंग के वस्त्र पहनें और सबसे पहले आप अपने घर से कबाड़ निकालें, टूटी फूटी चप्पल जूते निकालें। इस दिन आप अपने घर में खिड़की दरवाजे भी चेक कर लें, कहीं से आवाज़ तो नहीं कर रही। अगर आपके खिड़की दरवाजे कहीं से आवाज़ कर रहे हैं तो उन्हें मशीन का तेल अवश्य दें। अगर आपके कबाड़ में सिर्फ लोहे का ही सामान है तो आप बोल कर भी शनिवार के दिन ना बेचें, ना ही लोहे का सामान आप इस दिन खरीदें। अगर आपने लोहे का सामान बेचना है तो आप अमावस्या के दिन बेचें। अगर आपका सामान प्लास्टिक का है तो आप शनिवार के दिन बेच सकते हैं। दूसरा नियम आपने अपनाना है, पीपल की पूजा करनी है। आप हर शनिवार के दिन पीपल की पूजा वाच करें। पीपल की पूजा करने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, राहु केतु शनि ये भी शांत होंगे। पीपल की पूजा आपने 9 से 10:30 बजे तक पीपल की पूजा आप ना करें, क्योंकि इस समय पर राहु काल होता है। राहु काल में कोई भी पूजा पाठ दान करते हैं तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलता। शनिवार के दिन पीपल की पूजा आप 9 बजे से पहले या फिर 10:30 से 12 बजे के बीच में पूजा करें। इस समय पूजा करने से आपको पूरा बुरा फल मिलेगा। इस दिन आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना है। जल के लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल डालें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप सामान्य जल डाल सकते हैं। थोड़े से काले तेल डालें और सामान्य जल डालकर पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करें। शाम को आप दीपदान अवश्य करें। दीपक आपने सरसों के तेल का जलाना है। दीपक के नीचे आप काले तेल अवश्य रखें। दीपक के अंदर भी आप काले तेल डाल सकते हैं, या फिर कोई लोहे की कील, या फिर 1 रुपए का सिक्का, या फिर आप साफ्त काले उड़द की दाल भी डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध है उसी चीज़ को आप इस दीपक में डाल सकते हैं। उसके बाद आप पीपल के वृक्ष के समक्ष दीपक को जलाकर रखें। इस दिन आप पीपल वृक्ष को स्पर्श भी अवश्य करें। स्पर्श करने मात्र से ही आपकी दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में बदल जाएंगी और सौभाग्य की रेखाएं परम सौभाग्य में बदल जाएंगी। ऐसा आप अवश्य करें। शाम के समय आप दीपदान करें। शाम के समय आप दीपदान 8 बजे से पहले या फिर सूर्य अस्त के बाद करें। इस दिन आप काली गाय, काले कुत्ता, कौआ, काली चींटियों को जितना दाना पानी खिला सकते हैं वह अवश्य खिलाएं। काली चींटियों को आज के दिन आटा और शक्कर अवश्य डालें। काले कुत्ते को आज के दिन तेल चुपड़ी रोटी अवश्य खिलाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में राहु केतु शनि ग्रह तो नहीं है तो आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी डालकर देखें। अगर कुत्ते ने आप द्वारा डाली हुई रोटी ना खाई तो आप समझ सकते हैं कि आप पर यह 3 ग्रह गुप्त हैं। आज के दिन सरसों के तेल का दान भी जरूर करें। संभव हो तो इस दिन अपनी छाया दान करें।
मान्यता है कि इससे शनि के प्रकोप से छुटकारा मिलता है। छाया दान करने के लिए एक लोहे के पात्र में आप सरसों का तेल डालें और उसमें आप अपना चेहरा देखें। उसमें अपना चेहरा देखने के बाद उसको डकौत को दान कर दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी कटोरी को रख सकते हैं, तेल सहित कटोरी को रख सकते हैं। आज के दिन अपने घर परिवार के सदस्यों में से एक मुट्ठी काले तिल भरकर अपनी छत पर पक्षियों को अवश्य डालें। आज के दिन शाम के समय आप अपने घर पर काले उड़द की खिचड़ी अवश्य बनाएं और परिवार सहित खाएं। ऐसा करने से आपके घर परिवार से दुख कष्ट परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आज के दिन लोहे का सामान, तेल, नमक, कैंची, काले तिल, काले जूते, माचिस, केरोसिन, जलनशील पदार्थ, झाड़ू, चक्की, स्याही, ये चीज़ें आप आज के दिन घर में ना लाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।